गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के 9वें अध्याय जब सूरज ने निकलने से इनकार किया नामक पाठ पढ़ेंगे। यह एक नागालैंड की लोक कथा है जो श्री केवल गोस्वामी जी द्वारा रचित है। तो इस कहानी में बताया गया है कि सूरज के ना निकलने से किस प्रकार का संकट उत्पन्न होता है और वह किस प्रकार दूर होता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी जब सूरज ने निकलने से इनकार किया। सबसे पहले कथावचन। बात उस समय की है जब धरती नई नई बनी थी। एक बार समस्त पक्षी और जानवर इकट्ठा होकर शिकायत करने लगे कि उन्हें सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है। उनमें से कई तो यह भी बोले कि सूरज को हर रोज़ निकलने की क्या आवश्यकता है, कभी तो कुछ आराम मिले। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जाते हुए सूरज ने सब सुन लिया। वह बहुत नाराज़ था, इसलिए एक सुबह को निकलने से इनकार कर दिया। तो ये कहानी उस समय की है जिस समय धरती का नया नया निर्माण हुआ था। तो उस समय सभी पक्षी और जानवर इकट्ठे होकर सूरज के लिए शिकायत करने लगे कि जो सूरज है वो उन्हें बहुत ही गर्म लगता है, और उन्हें लग रहा था कि अगर सूरज रोज़ ना निकले या फिर देर से निकले तो वो देर तक आराम कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि सूरज को हर रोज़ निकलने की क्या आवश्यकता है, कभी तो ऐसा होना चाहिए कि वो ना निकले जिससे कि उन्हें कुछ आराम मिल सके। तो जब सूरज जा रहा था धरती के एक कोने से दूसरे कोने की ओर, तो सूरज ने यह सब सुन लिया और इस बात को सुनकर वह बहुत अधिक नाराज़ हुआ, इसलिए एक सुबह उसने निकलने से इनकार कर दिया। शुरू में तो सभी पक्षी और जानवर बहुत खुश हुए। सर्दी उतर आई थी, जितनी देर चाहे वे सो सकते थे। शीघ्र ही अधिकतर जानवरों और पक्षियों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वे भूख से व्याकुल होने लगे। अब उनकी फिर शिकायत थी कि सूरज क्यों नहीं निकलता। वे एक दूसरे को दोष देते कि उन्होंने पागलों जैसी बात की, सूरज को यह कहकर कि बहन ना निकला करें। आखिर वे मिल बैठे और फैसला किया कि मिन्नत करने के लिए सूरज के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। पक्षियों और जानवरों की एक छोटी सी टोली सूरज के पास गई और उनसे अनुरोध किया कि वे फिर से निकलना शुरू कर दें। तो जिस समय सूरज नाराज़ होकर उसने निकलने से इनकार कर दिया था, तो शुरू में तो सभी पक्षी और जानवर बहुत खुश हुए क्योंकि अब मौसम बदल गया था। अब गर्मी नहीं थी, क्योंकि सूरज की गर्मी से जो धरती पर गर्मी होती है वो गर्मी नहीं थी और सर्दी होने लगी थी। तो और जितनी देर वो चाहे वो सो भी सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो सभी जो जानवर और पक्षी थे तो उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्हें कुछ अंधेरे में दिखाई ही नहीं देता था और उन्हें भूख लगने लगी थी, क्योंकि इस समय वनस्पति सारी नष्ट हो गई थी, क्योंकि सूरज की रोशनी से जो वनस्पति पनपती है वो सब वनस्पति नष्ट हो गई थी और जो पशु पक्षी थे उन्हें अपना भोजन नहीं मिल रहा था। तो इसलिए वो भूख से व्याकुल होने लगे थे और अब वो शिकायत करने लगे थे कि सूरज क्यों नहीं निकल रहा। फिर वो एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। फिर वो सोचते हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल को जो है सूरज के पास भेजा जाए जिससे कि सूरज निकलने लग जाए और फिर से हमारा जो जीवन है वो फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि इस समय उनका जो जीवन था वो एक तरह से स्थिर हो गया था। जब प्रतिनिधि मंडल सूरज के पास गया तो उन्होंने उनसे विनती की निकलने के लिए, लेकिन सूरज तो क्रोध में था। सूरज ने कहा, आपको पहले से ही से विचार कर लेना था कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं पौधों को बढ़ने में मदद करता हूँ और फूलों को खिलने में। सारे जानवरों और पक्षियों और इंसानों को जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता है, किंतु आप इतने मूर्ख हैं कि इतना भी न समझ सके। वह टोली तो मुँह लटका कर लौट आई, किंतु दिन ब दिन जीवन और कठिन होता गया। शीघ्र ही सभी उदास और हताश हो गए और सभी के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। अब सूरज से बात करने के लिए और किसको भेजें? कौन है जो सूरज का दिल जीत ले? आखिर किसी ने मुर्गे का नाम सुझाया। देखने में वह अच्छा था, साफ सुथरा और सलीके से बात कर लेता था, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि औरों की तरह उसे सूरज से कभी कोई शिकायत नहीं थी। मुर्गा दुविधा में पड़ गया, कहने लगा, किंतु आप सभी लौट आए हो, इतने स्वस्थ जानवर और इतने सुंदर पक्षियों ने मिलकर उससे बात करके देख तो लिया है, मुझसे कामयाबी की उम्मीद क्या करते हैं?
किंतु वे उससे याचना करते रहे, तुम धरती को बचा लो बचा लो। उन्होंने विनती की, तब बड़े असमंजस में मुर्गा सूरज से मिलने के लिए चल पड़ा। तो शुरू में तो जब सभी जानवरों का प्रतिनिधि मंडल सूरज के पास गया तो सूरज क्योंकि बहुत अधिक क्रोध में था, तो इसलिए सूरज ने कहा कि आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि आपको क्या कहना है, और आपको पता है कि इस धरती पर जो पौधों को और फूलों को खिलने में मदद करता है वो मैं ही हूँ, और जितने भी पशु पक्षी हैं और इंसान हैं उनको जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ती है, और लेकिन आप इस बात को नहीं समझ सके। तो वो जो टोली थी वो निराश होकर वापस आ गई। अब क्योंकि सूरज की गर्मी धरती को नहीं मिल रही थी, धरती पर सर्दी आ गई थी, तो इसलिए सभी जानवर जो हैं उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। तो अब उन्होंने सोचा कि कौन ऐसा है जिसे सूरज के पास भेजा जाए और सूरज को मनाया जाए। तो किसी ने मुर्गे का नाम सुझाया। तो मुर्गे ने पहले कहा कि आप सभी इतने सुंदर पशु पक्षी सूरज से मिलकर आ गए हैं, अगर आपकी बात उन्होंने नहीं मानी है तो ऐसा ना सोचें कि मेरा कहना वो मान लेंगे, लेकिन सब उनसे जो है विनती करने लगते हैं। तो इसलिए सूरज वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, मुर्गा सूरज के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, और मुर्गा सूरज से कहता है कि मेरे स्वामी सूरज, सृजन के देवता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लौट आओ और एक बार फिर से दुनिया को स्वस्थ कर दो। आप उष्ण हो और चमकते हो और हमें इस उष्णता और प्रकाश की आवश्यकता है। आपके बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता, नहीं फलता फूलता। आपके बिना हम इस धरती की सुंदरता नहीं देख पा रहे हैं। हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, निराशा ही निराशा है। तमाम छोटे जानवरों और छोटे पक्षियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मुर्गा सूरज से प्रार्थना करता है कि मेरे स्वामी सूरज, सृजन के देवता, एक बार फिर से दुनिया को स्वस्थ कर दो और आप उष्ण हो और चमकते हो और हमें इस उष्णता और प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना धरती पर कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता और ना ही जो इस धरती की सुंदरता है उसे हम आपके बिना देख सकते हैं, क्योंकि आपके बिना चारों ओर अंधकार ही अंधकार है और इसलिए सभी निराश हैं। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप फिर से इस धरती पर लौट आओ और इस धरती को फिर से प्रकाशित करो, क्योंकि आपके बिना इस धरती पर कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पौधे तो अब उगते ही नहीं, निशाचर हमें सताते हैं, क्योंकि हम हर समय छिपे नहीं रह सकते और न ही हमें अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। हमने कभी नहीं चाहा था कि आप छिप जाएं, किंतु हमारी एक न चली, सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की गरज दहाड़ ही सुनी गई। सूरज का दिल पसीज गया, वह मन ही मन सोचने लगा काश तुम्हारे जैसे प्राणी और अधिक होते। उसने कहा, फिर तो मैं लौटने के बारे में विचार भी कर लेता, किंतु तुम जैसे बहुत थोड़े ही हैं। बिल्कुल नहीं जी, मुर्गे ने कहा, कई तो इतने छोटे हैं कि उन्हें देख भी नहीं सकते। यह उनकी नादानी है कि बड़ों को शोर मचाने दिया, दोबारा यह गलती वे नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि हर सुबह स्वागत के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। जब अगली सुबह सूरज लौट आया तो सबसे पहले मुर्गे ने उसका स्वागत किया, निहाल होकर बांग देकर, और तब से लेकर यही वह हर सुबह करता आया है। तो जब मुर्गे ने बहुत अधिक विनती की, प्रार्थना की सूरज से, तो सूरज का दिल पसीज गया और उसने कहा कि लेकिन तुम्हारे जैसे प्राणी तो बहुत कम हैं। लेकिन मुर्गे ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, इतने छोटे हैं। फिर मुर्गा सूरज से कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि हर सुबह स्वागत के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा, और सूरज ने मुर्गे की बात मान ली और अगली सुबह सूरज निकल आया और मुर्गे ने उसके स्वागत, सूरज के स्वागत के लिए बांग दी, और कहा जाता है कि तभी से हर सुबह मुर्गा सूरज निकलने से पहले बांग देता है सूरज के स्वागत के लिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में हो थसाए। तो जिस तरह से सभी पक्षियों और जानवरों ने बिना सोचे विचारे ही सूरज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और सूरज ने उस बात को सुनकर
उनसे नाराज़ होकर निकलने से इनकार कर दिया था। और क्योंकि अगर सूरज नहीं निकलता है तो धरती पर चारों ओर अंधकार ही अंधकार रहता है और ना ही किसी तरह की वनस्पति उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले बहुत अधिक सोच विचार कर बोलना चाहिए ताकि हमें अपने शब्दों के लिए बाद में पछताना ना पड़े। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। थैंक यू।